हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विजया और आप देख रहे हो विजयास क्रिएटिव गार्डन। फ्रेंड्स, लगभग सभी जगह जो है बारिश का मौसम शुरू हो गया है। हम सभी प्लांट लवर्स को बारिश का मौसम जो है बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हर तरफ जो है वो हरियाली छाई रहती है। हम लोग के प्लांट्स को फ्री का ही बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते रहते हैं। देखिए, जब बारिश जो होती है वो एक आध दिन के लिए होती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अच्छा सभी को लगता है। लेकिन जब वो कंटिन्यूसली होती रहती है और हमारे गमलों की मिट्टी सूख नहीं पाती है कई कई दिन तक, समस्या तब खड़ी होने लगती है, क्योंकि प्लांट्स की जड़ों को जो है वो हवा नहीं मिल पा रही है, उनका दम घुटने लग रहा है और इस दम घुटने के चक्कर में फंगस भी हो जाती है और प्लांट मर भी जाता है। तो आज जो है हम आपको 5 ऐसी टिप्स बताएंगे जिसको कि आप लागू करके अपने प्लांट्स को ओवरवाटरिंग से बचा सकते हैं या फिर अधिक गमलों में अधिक पानी भरने से बचा सकते हैं। देखिए, 5 हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हर टिप हर जगह लागू नहीं हो सकती है। कई जगह पर आपकी एक आध टिप्स लागू होंगी और मतलब एक दो होंगी, कई जगह आप पांचों को आपको लागू करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ ही जो है वो बहुत तरीके के गमले हैं। कुछ बड़े बड़े गमले हैं सीमेंट की, जिनको हम जगह भी चेंज नहीं कर सकते हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ ग्रो बैग हैं। तो हर में मैं अलग अलग रूल्स को फॉलो करती हूँ, वही मैं रूल आपके संग शेयर करूंगी। इसमें से एक आध टिप्स जो था वो मैंने लास्ट ईयर एक वीडियो बनाया था, उस पर भी शेयर करी थी, तो उनको भी मैं रिपीट करूंगी, क्योंकि हो सकता है हमारे कुछ न्यू हमारे फ्रेंड्स हम लोगों के संग जुड़े हों, जिन्होंने पुराना वीडियो ना देखा हो तो वो उनको भी फॉलो कर सकते हैं। तो कौन कौन से टिप्स हैं वो हम आपको बताते हैं, हो सकता है 5 में से 6 भी हो जाए, लेकिन फ्रेंड्स कोई बात नहीं, चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहली और कॉमन टिप ये है कि अपने गमलों के ड्रेनेज होल को चेक कर लीजिए, उसमें से एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल बहता जाए। और ये जो पोटू लाका है, इस पर बहुत सारी क्वेश्चंस आए थे। बरसात के समय अगर इसमें पानी पड़ता है तो इसका कोई नुकसान नहीं होगा, तब तक नुकसान नहीं होगा जब तक कि पानी इसमें इकट्ठा ना हो। पानी इस गमले में भरा रहेगा तो फ्रेंड्स प्लांट खराब हो सकता है, लेकिन एक्स्ट्रा पानी अगर बह जाएगा तो कोई नुकसान नहीं होगा, भले ही डेली बारिश होती रहे। और साथ में हम आपको जो आगे टिप्स देंगे आप वो भी इसमें फॉलो कर सकते हो, क्योंकि सभी टिप्स अलग अलग तरह से अलग अलग जगह पर लागू होती रहेगी। गर्मियों में ये इसलिए ख़राब होता है क्योंकि एक तो मौसम बहुत गर्म, दूसरा पानी, इसलिए फंगस इसमें लग जाती है, लेकिन रेनी सीजन इसका बेस्ट टाइम होता है, ग्रोइंग पीरियड। टिप नंबर 2 ये है, एक आप बड़ी पॉलीथिन लेना। यहाँ पर फ्रेंड्स हमने छोटी पॉलीथिन ली है क्योंकि मेरी बड़ी पॉलीथिन अभी हवा में उड़ गई है और बारिश आने वाली है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी वीडियो बना रही हूँ। तो उसको जो है आप सर्कुलर शेप में काटना, ये तो मेरी आधी ही रह गई है, उसको करके सर्कुलर काट करके अपने गमले में पौधे जहाँ लगाए उसके चारों तरफ इस तरीके से डाल देना। देखिए मेरी आधी रह गई है, आपको पूरी करनी होगी इस तरीके से। इसको फिर जो है किसी भी स्टोन वगैरह से कवर कर दीजिएगा ताकि उड़े ना। अब क्या होगा, जब बारिश होगी काफ़ी समय तक होती रहेगी तो पानी जो है खट्टा इसी पॉलीथिन के ऊपर रहेगा, और ये बड़ी पॉलीथिन रहेगी ना तो गमले के ऊपर से भी कवर रहेगी, तो थोड़ा बहुत पानी जाएगा, उससे कोई नुकसान नहीं है। और फिर जब भी आप अपने प्लांट्स के पास आना, वो पानी निकाल करके गमले को लुढ़का करके सारा पानी बहा देना, गमले को ऐसे हल्का सा मोड़ेंगे सब पानी बह जाएगा। टिप नंबर 3 जो है वो सकुलेंट्स के बारे में है। फ्रेंड्स इस समय जो है बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग से अपने सकुलेंट्स को बचाइएगा, स्पेशली रेनी सीजन में। आपके पास जितने भी सकुलेंट्स हैं उनको एक जगह पर इकट्ठा कर दीजिए, इकट्ठा करके ऐसी जगह पर रखिए जहाँ इसको बारिश का पानी तो उनको ना मिले लेकिन धूप लगती रहे, क्योंकि इस समय की धूप इनके ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है। अगर आपके यहाँ पर ऐसी जगह नहीं है, ये देखिए सकुलेंट्स मेरा कई साल से चल रहा है, बहुत अच्छे हैं, कुछ सकुलेंट्स मेरे बच गए हैं लेकिन फिर भी कुछ मर गए, इस बार भी मेरे मर गए हैं। मेरे पूरे टाइम ऐसे ही रखा रहा था गर्मियों में, पूरी गर्मी, इस पर वीडियो हमने बनाया था। फ्रेंड्स इसके बाद कोई भी एक जगह रख करके, अगर आपके यहाँ शेड वाली जगह नहीं है तो इस तरीके से पॉलीथिन से कवर कर दीजिए, लेकिन किनारे से खुला रहे थोड़ा सा ताकि हवा का फ्लो बना रहे, पानी ना पड़े लेकिन हवा का फ्लो बना रहे, तो प्लांट की जो है ग्रोथ अच्छी होती रहेगी।
टिप नंबर फोर्थ ये है कि गमलों के ऊपर जो हम लोग जगह छोड़ देते हैं पानी भरने के लिए, तो उसको पूरा मिट्टी से ढक दीजिए ऊपर तक। उसमें क्या होगा कि जब बारिश का पानी आएगा तो उसको इकट्ठा होने की जगह ही नहीं मिलेगी, पानी बह जाएगा। और जहाँ स्टेम के पास से मिट्टी थोड़ी सी ऊपर चढ़ा दीजिए, स्लोप बन जाएगा थोड़ा सा, तो पानी बह जाएगा। और साथ में अगर इसमें आप पॉलीथिन ऊपर लगा दोगे, जो हमने टिप नंबर सेकेंड बताई थी, वो और फ़ायदा करेगा इसमें। लेकिन इस चीज़ को, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ऐसे भरे हुए जो गमले आपके मिट्टी से भरे गमले रहेंगे ऊपर तक, उनको आप दीवार के पास मत रखिएगा, नहीं तो पानी के छींटों से आपकी दीवारें ख़राब हो जाएंगी। तो आप कोई कई जगह मिक्स एंड मैच करके भी टिप्स को अपना सकते हो। साथ में कोई सकुलेंट अगर आपका इस तरीके से लेगी जैसा हो रहा है, तो फ्रेंड्स चाहिए तो उसको अपने और उस प्लांट्स के संग हटा करके कहीं और शिफ्ट कर दीजिए, नहीं तो उसको काट दीजिए, कटिंग से ग्रो कर लीजिए, ज़्यादा बेटर है। आपके पास जो भी कैक्टस वगैरह हैं या दूसरे कोई भी प्लांट जो आप इनमें से कोई टिप फॉलो नहीं कर सकते हो, तो उनको आप इस तरीके से लुढ़का करके भी रख सकते हैं, गिरा के भी रख सकते हैं। इससे क्या होगा, बारिश का पानी जो भी आएगा, थोड़ा बहुत आएगा, तो वो बह जाएगा, इकट्ठा नहीं हो पाएगा, प्लांट ख़राब नहीं होंगे। नेक्स्ट टिप ये है कि जो भी बड़े बड़े पॉलीथिन होते हैं उनको इकट्ठा कर लीजिए, और अपने जो नाजुक प्लांट्स हैं जिनको कि आपको बचाना है, तरीके से कवर कर दीजिए, लेकिन नीचे से थोड़ा सा खुला छोड़ दीजिएगा ताकि हवा का फ्लो इसमें बना रहे। इससे फ्रेंड्स जो है कोई नुकसान नहीं होगा आपके, जो भी देखिए कुछ प्लांट्स तो बारिश का पानी सह लेते हैं, कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन ये टिप आप केवल नाजुक प्लांट्स के ही साथ करिएगा। हमने जो है अभी अपने जो भी प्लांट्स लेकर आए थे उनको जब हमने दूसरे गमले में लगाया है, तो ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए ये वाली जो ऐसे आजकल बैग्स आते हैं, इसको कवर करने के लिए लगाया है, ये इसी के पीसेस काट करके। इससे क्या होता है, एक्स्ट्रा पानी बह जाता है लेकिन मिट्टी नहीं बहती है, और ये एक दो साल खूब आराम से चलते रहते हैं। साथ में अगर आपने अपने गमलों के नीचे जो एक प्लेट लगाते हैं कि पानी स्टोर होए, वो ट्रे भी हटा दीजिएगा ताकि पानी उसमें स्टोर ना हो। बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखना, कोई भी ट्रे प्लेट ना हो गमलों के नीचे। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन और टिप्स पसंद आई होंगी। पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मिलेंगे आपसे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।